फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ तो इसका मतलब अभी आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये बात तो तय है कि यूनिवर्स आपको बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कुछ ऐसे तत्वों से जो आप पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे अटैक से जो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों यूनिवर्स आप पर मेहरबान है, क्यों आपके लिए यूनिवर्स इतने एफर्ट्स करता है, ये देखेंगे हम आज की रीडिंग में। और किस तरह से आपको संकेत देती है यूनिवर्स, कैसे बताने की कोशिश करती है यूनिवर्स कि उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और वो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश कॉन्स्टेंटली करती रहती है या करता रहता है यूनिवर्स, जिस भी फॉर्म में आप यूनिवर्स को मानते हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा कभी कभी छोटे छोटे एक्सीडेंट्स आपके होते ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली, एडवेंचर का कार्ड या आपको कोई छोटी मोटी सिकनेस चलती ही रहती है कुछ टाइम तक, तब आपको बहुत इरिटेशन होती है। आपको लगता है क्यों आपके साथ ऐसा कॉन्स्टेंटली हो रहा है कि यहाँ आपके साथ छोटे छोटे ऐसी अनवांटेड घटनाएं घट रही हैं, ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्यों आप बार बार बीमार पड़ते हैं। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये समझाना चाहती है कि कोई बड़ा घात आपके ऊपर लगे उससे पहले वो आपको संभाल ले। जब आपको छोटे छोटे एक्सीडेंट्स को फेस करना पड़ता है, छोटी छोटी अनवांटेड सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है या सिकनेस को फेस करना पड़ता है, तो आप अपनी केयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई बड़ा घात आपको नहीं लगता। आप अपनी जल्दबाजी में, लाइफ की दौड़ भाग में शायद ये संकेत को कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये संकेत आपको ये समझाने के लिए होते हैं कि बड़े घात को टालने के लिए यूनिवर्स आपके साथ ये सब कर रही है। कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि कुछ लोग या सिचुएशंस है जो आप चाहते हैं आपसे दूर हो जाए लेकिन हो नहीं पाती है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं, आपको कोई गाइडेंस ऐसी नहीं मिल रही कि आप ये सिचुएशन या इन लोगों से दूर हो या ना हो। लेटिंग गो, गाइडेंस, पॉलिटिक्स, आप चाह के भी उन सिचुएशंस या उन लोगों से दूर नहीं हो पाते क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा उस वक्त कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या ये सिचुएशंस आपके लिए सही हैं या नहीं, या ये लोग आपके लिए सही हैं या नहीं। ऐसे में यूनिवर्स आपको गाइड करती है, कैसे, आपको कुछ देर के लिए अकेला कर देती है यूनिवर्स। क्यों? ताकि आप अकेले में बैठ के ये सोच सके आपके लिए क्या सही है क्या गलत। और इन लोगों के साथ या इन सिचुएशंस के साथ आपको कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस उस वक्त होते हैं कि आपको लगता है इन रिलेशन और सिचुएशंस को रिकंसिडर करना चाहिए। जैसे इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप अपना नाता तोड़ देना चाहते हैं, उसके साथ कॉन्स्टेंटली कुछ बैड लक आपके साथ होता ही रहता है, उसकी प्रेजेंस में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है कि आपको ये फील होता है ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। इस तरह से यूनिवर्स आपका ख्याल रखती है, आपको ये महसूस कराने की कोशिश करती है यूनिवर्स कि ये पर्सन या वो सिचुएशन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको इनसे दूर हो जाना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उस सिचुएशन में या उन लोगों के साथ आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है कि आपको महसूस होता है ये सिचुएशन या लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
कई बार आपको ऐसे ड्रीम्स, ये जो गोइंग विद द फ्लो का आप देख रहे हैं, इंसान लेटा है और उसके आसपास कुछ तरंगे हैं, तो मैं इसको ड्रीम्स के हिसाब से लेकर आपको समझाना चाहती हूँ। आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं जिसमें पास्ट के कुछ लोग आपको मिलते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके सपने में घटती हैं जो आपको डरा देती हैं, चौंका देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुदरत आपको डराना चाहती है, यूनिवर्स आपको डराना चाहती है। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज के बारे में बताना चाहती है कि ये जो हो रहा है इसको अभी समझ लो, ये सिचुएशन को अभी समझ लो। ये लोग जो पास से आते हैं या ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है, ये आपके सपने में आते हैं या आपको चौंकन्ना करना चाहते हैं, कुछ बड़े प्रकोप से आपको बचाना चाहते हैं। तो जब ड्रीम्स में ऐसी कोई सिचुएशन, कोई मृत लोग आते हैं या कोई पास्ट के जिनसे आपका पूरी तरह से नाता नहीं है, ऐसे लोग आपके सपने में अचानक से आने लगते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहती है कि आपको कोई बड़ा ऐसा प्रकोप हो सकता है जिससे आप चौकन्ने हो जाए। जब आप अलर्ट हो जाते हैं, जब आप सावधान हो जाते हैं, तो खुद ब खुद आप ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोगों से दूर होने लग जाते हैं। अलोननेस, रिबेल, आप क्यों रिबेल करते हैं कि आपको ये आपके जो मृत जन हैं या जो पास्ट के ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बहुत चाहते थे लग, लेकिन अगर आप आपका उनसे नो कॉन्टेक्ट है, या आपके सपने में आके आपके वेलविशर बन के आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाले समय में बन सकती है या ऐसे कोई लोग आ सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। देखिए, ये सांप इस पर्सन के आसपास लिपटा हुआ है, आपको इन चीजों से दूर करने के लिए आपको संकेत देती है यूनिवर्स। अगर आप इन संकेत को समझ लेते हैं तो आपके दसों उंगलियां घी में है, लेकिन अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि जाने दो ऐसा कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं है और जिसको आप फेस नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू, आपको मानना है या नहीं मानना है। यूनिवर्स तो आपके साथ क्लियरली कॉम्युनिकेट कर रही है। इसके बाद आपको और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, हर हालात को, लोगों को रिकंसिडर करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको जो मैसेज देने की कोशिश करती है यूनिवर्स। आपको लगेगा यूनिवर्स आप पे क्यों इस तरह से मेहरबान है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, जब आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है, वो आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको कुछ टिपिकल तरह के एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, या आपको कई फेदर दिख जाता है, कोई छोटा सा पंख दिख जाता है, ये सब अपने आप में इंडिकेशंस है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। आपको कॉन्स्टेंटली कुछ साइंस देती है, कोई संकेत देती है जिससे कि आप अपने आप को सेफ कर लें, आपके साथ वो नुकसान ना हो जिस जो आप डिजर्व नहीं करते। आपके कर्मास इतने खराब है ही नहीं कि यूनिवर्स आपको बचाने की कोशिश ना करे, लेकिन अगर आप जानकर भी, सुनकर भी, समझकर उसे नजरअंदाज करेंगे तो फिर वो सब आपके साथ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आज आपने ये रीडिंग देखी है तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। जिनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं होती, वो ऐसी रीडिंग्स को देखकर सोचते नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपने रीडिंग देखी है एंड तक, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत जबरदस्त मैसेज रहा है यूनिवर्स का इस रीडिंग में। ख्वाबों के जरिए, सिचुएशन के जरिए, इंट्यूशन के जरिए, आभास के जरिए आपको कितना कुछ बताने की कोशिश करता है यूनिवर्स। ये कार्ड देखकर मेरे ध्यान में एक और बात आ रही है फ्रेंड्स, माइजर और गाइडेंस। कई बार आपको लगता है कि क्या आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, इन सब सिचुएशन से दूर हो जाना चाहिए, क्या ये वक्त है आप रुक जाए थोड़ा, और आपको लगता है नहीं रुकूंगा या रुकूंगी तो नुकसान हो जाएगा। और जब आप ऐसा सोच रहे होते तभी कोई गाना ऐसा बज जाता है जिसमें छुट्टी की बात की होती है, या आपको एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है ड्राइव के टाइम, या आपको कोई ऐसा बोर्ड दिख जाता है कि स्लो डाउन, स्लो चलाएं, इसका मतलब आपको उस वक्त मैसेज मिल रहा है कि आप ब्रेक ले लें।
यहाँ तक कि कुछ लोगों की, जब मैं बोलती ना आपको, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कुछ लोगों से आपको दूर होने का मन करता है, आप ऐसा जब सोच रहे होते हैं तभी कोई पर्सन आके आपको उस पर्सन के बारे में ऐसी कोई बात बता देता है कि आपका मन तैयार हो जाता है कि हाँ आपने जो सोचा था इस पर्सन के लिए सही है, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी ऐसा किसी और ने उसके बारे में आकर ये बात बोलकर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि मुझे सिचुएशन से या पर्सन से दूर हो जाना चाहिए। तो कितने तरह के आपको इंडिकेशंस यूनिवर्स देने की कोशिश करती है, कुदरत देने की कोशिश करती है, जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। तो फ्रेंड्स आज का जो एफर्मेशन रहेगा वो रहेगा कि आई वैल्यू द प्रोटेक्शन यूनिवर्स गिव्स मी, मैं कदर करता हूं या करती हूं उस सेफ्टी की, प्रोटेक्शन की जो यूनिवर्स मुझे देती है। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, या एक सिंपल सा यस, और यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे ऐसे आपको साइंस या संकेत देगी आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। जो मैंने बताया है शायद उससे बढ़कर आपको रियलाइज होगा कि यूनिवर्स आपको कितना प्यार करती है, आपके प्रति उसकी कितनी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है कुछ ऐसी चीजों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे लोगों से जो आगे जाके आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। आपको यूनिवर्स सक्सेसफुल देखना चाहती है, प्लेफुल देखना चाहती है, इनोसेंट देखना चाहती है, जो कि आप हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है और वो गाइडेंस वो आपको देने की कोशिश कर रही है। तो यूनिवर्स को जितना हो सके अपना ग्रेटिट्यूड दिखाइए, उसे थैंक्स कीजिए, और मैं आती रहूंगी ऐसे ही बेहतरीन रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।